सामने मदार रहे हैं मेवाल पुत्र महाराणा प्रताप। थैंक यू सो मच सज्जाद, लेकिन वो महाराणा प्रताप का एक किरदार जो मैंने निभाया था, बट अब मैं फैजल खान। Hey guys, Assalamualaikum and welcome back to our channel Sudden Sleeves. आप देख रहे हैं एक और एपिसोड ऑफ सवाल जवाब विद सज्जू, और हमारे साथ आज जो है बहुत ही स्पेशल गेस्ट है, खानों में खान फैजल खान। थैंक यू। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही एनर्जेटिक इंट्रो था। सो हाउ वाज योर लाइफ आफ्टर स्कूल, बिकॉज़ वो टाइम पे सोशल मीडिया कुछ वगैरह इतना था नहीं, बट आप स्कूल में ही हो, टीवी पे तो सबने ही देखकर गोद ले लिया कि हमारे घर का बच्चा है। सब बोलने लग गया, मेरी मम्मी भी बोलते रहे तू अपना घर का बच्चा, उसको पैर पे लग गया। मतलब मम्मी आप कब कब घबर कब आया? तो व्हाट वाज इट लाइक, यू नो? सी, लाइफ तो बहुत ज्यादा चेंज हुई, बिकॉज उसके पहले होता है ना कि कोई जानता नहीं कुछ नहीं, बट ऑल सडन यू डू समथिंग एंड उसके बाद लोग एक से शुरू होती वो चीज की ऑटोग्राफ, एंड दैट फीलिंग इज लाइक कि मैंने क्या किया। जो शुरू हुआ आई थिंक वो बहुत ही ज्यादा एक अच्छी भी चीज थी और एक अजीब सी भी, अजीब सी इसलिए क्योंकि जो फ्री फील करते हो नहीं, एंड दैट इज गुड आल्सो, आई थिंक मुझे बहुत पसंद है वो चीज, क्योंकि मुझे अपने आप को बिजी रखना और अपने आप को और बढ़ाते रहना पसंद है। सो लाइफ तो चेंज हुई स्कूल के बाद, खैर जैसा बोल रहे हो, स्कूल के बाद तुरंत आई गेस मैं DID चला गया, एंड देन व्हेन आई केम बैक अपने ही चाल में स्टार था। समझ रहे हो? तो वहां से लाइफ जब शुरू हुई है, आई थिंक अगेन ग्रेटफुल। तो यार फैजल, आपका हम लोगों ने बचपन में देखा था, यू नो, महाराणा प्रताप वाला शो, इतना उसमें हॉर्स राइडिंग करना पड़ता था। और एक बात है कि यू नो मैंने सुना है, आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू, यू नो अगर ज्यादा आदमी घोड़े पे बैठे तो उसके ना घोड़े लग जाते हैं, यू नो थोड़ा नीचे से प्रॉब्लम हो जाता है, तो मतलब बद्दू फाइन थे ना, इंश्योरेंस इंश्योरेंस करा है घोड़े पे तो हाँ घोड़े लगते हैं, जो चलाता है उसको पता है। नहीं तो वैसे तो आई थिंक बद्दू फाइन थे, बिकॉज जैसे मतलब लड़कियों की लंबी लाइन लगी पड़ी है, पैदा ही हिंदुस्तान में हुए ना तो कुछ भी लोखंड पुत्र, अरे रे रे असली आयरन मैन फैजल खान। Coming on a little serious note over here, about over a year now, last year I guess September mein hua tha, where you had a very severe injury last year due to horse riding, and you and I know how bad injuries can be. Physiotherapy chalti hai, bahut lamba procedure hota hai, you have to recover, you couldn't dance at that time, but mashallah when I see you now, so you are much fitter, you are in much better shape, you are more smiling, you seem more energetic and more happy. So like, वो जर्नी कैसा था पास वन या? I was riding a horse मेरे एक शो में, and I was supposed to jump from that horse. एक स्टंट में परफॉर्म कर रहा था, और मुझे नहीं पता कि क्या हुआ उस वक्त, मैं I was tired और मेरा क्या कैलकुलेशन मिस्टेक था, क्या हुआ I don't actually remember. So मैंने जब वो ट्राई किया मैं गिर गया, और जब गिरा तो I thought कि कुछ नहीं लगा होगा, बट फिर देखा तो टांग टूट गई थी। So that was scary. But after that, I have learned a lot. क्योंकि 2020 ने जो हमें 6 महीने का जो ये लॉकडाउन पीरियड चल रहा है 4-6, इसने तो बहुत कुछ सिखाया, बट मेरा लॉकडाउन जो है वो लास्ट ईयर 29th अगस्त में इंजरी हुई थी, 28, 29, I guess. तब से लॉकडाउन चल रहा है, तो आई वॉज यू नो बेड रिटन फॉर मंथ्स, बहुत सारे टाइम के लिए मैं बेड पे था, और यस बहुत सारी चीज़ों ने मोटिवेट किया मुझे, दैट्स व्हाई नाउ आई एम गेटिंग दिस कॉम्प्लीमेंट कि यू नो आई एम मोर एनर्जेटिक नाउ, एंड लोग बोल भी रहे, बिकॉज बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नाउ यू आर लुकिंग फ्रेश, यू आर लुकिंग न्यू, सो आई थिंक बहुत सारी पॉजिटिविटी मिली है दिस, जिसकी वजह से आई गेस आई एम हियर। आपकी लाइफ में ऐसे कौन थे, वो कौन एनर्जी थे, वो कौन लोग थे, सो हु वर योर सपोर्ट सिस्टम, एंड हाउ डिड यू ओवरकम इट, एंड हाउ डिड यू गो अहेड? सी सजात, ऐसे वक्त पे यू गेट टू नो अबाउट पीपल जो आपके क्लोज है, और वो रियल में क्लोज है या नहीं है इस बुरे वक्त पे, क्योंकि खुशी के वक्त आई थिंक बहुत सारे लोग आप में शामिल होते हैं, बट जो दुख के वक्त हो वो आई थिंक आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखने चाहिए और होते हैं, बट ऐसी कभी इंजरी से गुजरता है तो वो मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, एंड स्पेशली व्हेन यू आर एन एक्टिव पर्सन तो आपके तो घोड़े लग जाते हैं, ऐसा होता है। सो यस, मेरी फैमिली थी, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे, एंड कुछ स्पेशल फ्रेंड्स भी जिन्होंने यू नो आई वन ऑफ द फ्रेंड्स,
friends with famous people and all, you know. अच्छा friends with benefit नहीं बोला. Pause ले लिया मैंने कहा क्या बोला. नहीं मतलब इसमें क्या है मतलब अगर friends with benefit भी करना है तो भी कौन तो भी बदला बाकी है भाई? मतलब क्या चल रहा है? अरे यार ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं ऑनेस्टली कि मुझे क्या करना है लाइफ में, बट कहते ना कि रास्ते बनते गए, मैं करता गया करता गया. सो आई एम डूइंग, आई थिंक मैं आगे चल के थोड़ा सा सटल स्लीव्स में थोड़ा सा यू नो मैं एंकरिंग भी कर दूं अभी बचा है. टिंडर के बारे में आपका क्या ख्याल है? टिंडर एक्चुअली टिंडर मैंने आज तक मतलब सुना है सर, ऐसे कभी डाउनलोड नहीं किया. डाउनलोड यार यही तो प्रॉब्लम है इस जनरेशन का, मैं बता रहा हूँ आपको, पूरा बेड़ा गर्क कर रखा है आप लोगों ने. मैं खाने वाले सब्जी टिंडे की बात कर रहा हूँ, ये प्रेस भी आया था, तुम लोग टिंडर पे चले जाते हो अपनी मूली लेके. यार कहाँ जा रहे हो आप लोग? खाने का सब्जी टिंडे. टिंडर यार, एज अ टिंडे आई फिर कांदिवली एक्सेंट. अच्छा 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 ठीक है. बिफोर लॉकडाउन जब तू क्लबिंग के लिए निकलता था तो मतलब घर पे क्या बोल के निकलता था रात में कि कहाँ जा रहा हूँ कैसे? ऑनेस्टली सजाद मैं ऐसे क्लबिंग वगैरह के लिए जाता नहीं हूँ, मतलब आई थिंक बहुत रेयर ऐसा हुआ है. अभी ये क्लबिंग वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाती है बिकॉज ऑलरेडी आई एम अ डांसर, दिन भर म्यूजिक में और या शूट करो तो दिन भर कच तो मैं ऐसे वक्त पर ट्राई करता हूँ कि अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूँ. कि क्लब में सिर्फ डांस थोड़ी होता है? अच्छा ये बाकी की चीजें तो आपको खैर अभी तक तो मुझे पता नहीं है सर. सज्जाद ब्रो विल टीच मी वी आफ्टर दिस इंटरव्यू और नहीं नहीं जहां पर हम है शायद वहां ही सिखा दे वो. अरे यार 1.5 मिलियन वाला बंदा हमको यार क्या है ये सिखा दो. इज देयर एनी क्रेजी फैन इंसिडेंट, एनी क्रेजी फैन मोमेंट जो आपको अभी तक याद है व्हिच यू वुड लाइक टू शेयर विद अस? मोमेंट तो आई थिंक बहुत ज्यादा हुए हैं और बहुत स्कैरी भी हुए हैं कि एक लड़की थी जो कर्नाटका रहती थी एंड शी वाज अंडर एज. वो वहां से बोल कर निकली थी कि आई एम गोइंग टू मीट फैजल, आई एम गोइंग टू मुंबई. एंड उसके पेरेंट्स को नहीं पता, उसने सिर्फ अपने फ्रेंड्स को बोला था आई गेस. उसके पेरेंट्स मेरे घर आए विद कॉप्स एंड दे आस्क्ड मी वेयर इज द गर्ल. सो आई गॉट स्कैर्ड, मैंने कहा कि ये क्या, वो दे वर लाइक 6.5 फुट के कॉप्स हैं. मैंने कहा ये क्या है, कौन सी लड़की? देन उसकी मम्मी आई रोते हुए, शी सेड कि ऐसा ऐसा हुआ है, हमारी बेटी मिल नहीं रही है, वो बोल के निकली फैजल से मिल रही हूँ. देन आई ट्राई टू हेल्प मेरे हिसाब से, बट लकीली वो लड़की मिल गई कर्नाटका में ही. वो निकल ही नहीं पाई थी वहाँ से, वहाँ पर ही किसी मंदिर के लोगों ने उसे रखा था संभाल के. एक और मोमेंट हुआ था जहाँ पर एक शख्स जो है वो सुसाइड करने वाले थे, वो उनके शी वाज जस्ट वेटिंग कि अपने फैमिली के जो लोग हैं वो घर से बाहर चले जाए. तो शी कैन अटेम्प्ट एंड देन उनका जो बेटा था उन्होंने बोला कि आप महाराणा प्रताप देख लो. जब क्या अकेले क्या करोगे बैठे बैठे, तो यूट्यूब पे महाराणा प्रताप लगा के देख लिया. तो वो देखते 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 शी फॉरगॉट टू सुसाइड. मेरे को बहुत सुन के रोंगटे आ जाता है जब भी सुनता हूँ. तो उन्होंने मुझसे एक बात कही थी जो आई थिंक मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. उन्होंने कहा कि फैजल पे लोग मरते हैं, हम फैजल को देख के मरना भूल गए. इट्स अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट आई हैव यू नो एवर गॉट आई गेस. स्टेज पे जाने के पहले यू नो बिफोर फेसिंग द कैमरा यू हैव अ रूटीन, व्हाट डू यू डू? मैंने ये चीज हमेशा फॉलो की है स्टेज पे जाने से पहले. आई गेट नर्वस व्हिच इज नॉर्मल एंड यू शुड गेट नर्वस, अदरवाइज आप ओवर कॉन्फिडेंट लगते हो या फिर हो जाते हो. तो मैं क्या करता हूँ कि जैसे आई एम गोइंग टू परफॉर्म, तो मैं अच्छे अच्छे डांसर्स जो मुझे इंस्पायर करते हैं, धर्मेश सर है, श्रीकांत सर जो मेरे डांस टीचर है, बहुत सारे लोगों के डांसिंग वीडियोस देखता हूँ एंड मैं उसी में गुम रहता हूँ. उसके बाद मैं कट करके सीधा स्टेज पे जाता हूँ. सजाद मैं पहली बात तो एक्टिंग का ए भी नहीं जानता था. आई वॉज अ डांसर एंड मुझे हमेशा से डांसिंग में ही अपनी लाइफ आगे बढ़ानी थी. मुझे पता भी नहीं कि लाइफ कहाँ ले जा रही है मुझे. और अभी मुझे पता चलता है कि एक कैरेक्टर में आने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, आपको वर्कशॉप करनी पड़ती है, आपको उस कैरेक्टर में रहना पड़ता है. बट जब मैं शो कर रहा था मुझे कुछ नहीं पता था एंड आई स्टिल रिमेंबर माय फर्स्ट डे ऑन सेट. प्रोड्यूसर्स, क्रिएटिव डायरेक्टर्स, कैमरामैन, दे ऑल वर लाइक किसको कास्ट कर लिया, यू नो. मैं परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा था, मुझे पता ही नहीं यहाँ से कैमरा है, वहाँ से आएगा, पूरा बोलना है, रोना है, कब है, क्या है.
सो हाँ गाना बजा लो मैं बस ऐसा था। तो आई थिंक महाराणा प्रताप जो मेरा शो था उसमें वो मेरी एक स्कूल थी, एक लर्निंग एक्टिंग के लिए एक स्कूल थी। एंड जो मुझे देखकर जितने भी लोगों में एक उत्साह जागती है, लोग सोचते हैं कि हाँ चले एक ऑटो वाले का बेटा का DID जीत सकता है और आगे बढ़ सकता है, वी कैन ऑल्सो। तो वो लोगों को इंस्पिरेशन मिली है, तो वो एक यू नो अपने आप में बहुत खुशी की बात है। और अभी आप देखने वाले हो एक बहुत ही घमासान डांस बैटल फॉर नसीब की टोपी। यस, लेट्स डू दिस। बताओ डांस वांस तो हो गया, कंपटीशन हो गया, जीता कौन? जो जीता वही सिकंदर। बट अगर आप लोग को जानना ही है कि जीता कौन है कंपटीशन, तो उसके लिए आपको episode 2 देखना पड़ेगा। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो हिट द लाइक बटन। कुछ बात करना है, कमेंट करना है, तो आप प्लीज कमेंट करो, मैं पढ़ रहा हूँ। एंड प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन बिकॉज आई नीड सब्सक्राइबर्स। सो ऑडियंस डिसाइड कि कौन जीता है, कमेंट करके बताओ। हां यस, एपिसोड 2 में आपको मालूम पड़ जाएगा कौन जीता है। कमेंट